अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अबाउट सेक्शन पर काम करेंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और पेजेस के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर बना देंगे अबाउट के नाम से, अबाउट, और इसके अंदर एक न्यू फाइल अबाउट डॉट जेएस, साथ ही में एक सीएसएस की फाइल बना देंगे अबाउट के नाम से, अबाउट डॉट सीएसएस, और इस अबाउट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे आर ए एस सी ई रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और साथ ही में हम क्या करेंगे यहाँ पर सीएसएस की फाइल को इम्पोर्ट कर देंगे इम्पोर्ट डॉट स्लैश, विद इन सेम फोल्डर है इसीलिए हम इसको डायरेक्टली इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में इस डिव को कट करके फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक अबाउट के नाम से डिव बना देंगे, और इसके अंदर एक रो की क्लास में ऐड कर देता हूँ रो, और इसके अंदर एक और डिव बना देंगे कॉल एम डी सिक्स के नाम से, यानी सिक्स सिक्स कॉलम में इसको डिवाइड कर देंगे। तो कॉपी पेस्ट, इसमें हम क्या करेंगे इमेज रखेंगे, पहले टेक्स्ट ऐड कर देता हूं मैं, फिर इसके अंदर कंटेंट को ऐड करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कंटेंट, सेव कर लेते हैं इसको, और इसको हम क्या करेंगे एप डॉट जे एस में ऐड कर देंगे लेआउट के बाद में। सो यहाँ पे आप इसको इम्पोर्ट कर लीजिए अबाउट, मेक श्योर इसको इम्पोर्ट भी करिए, सजेशन शो करेंगे इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली कंपोनेंट इम्पोर्ट हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार आउटपुट देख लेंगे इसका। चलते हैं ब्राउजर पर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसको फिक्स करना है सीएसएस में, और हम चाहे तो यहाँ पर इसको भी फिक्स कर लेते हैं, ये जो आई एम है ना इसका जो फॉन्ट साइज है इसको हम कम कर लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इस होम में भी थोड़े से चेंजेस कर लेंगे। चलते हैं वापस होम पेज में, पहले होम पेज में थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ मैं, ये जो H1 है ना इसके बदले में यहाँ पे इसको कर देता हूँ H2, और जो लिखा हुआ टाइपराइटर का टेक्स्ट है उसको कर देंगे हम H1। सेव कर लेते हैं इसको, और फिर इसकी सीएसएस में भी चेंजेस करना पड़ेंगे तो रिवर्स कर देंगे हम इसको, जहां पर H1 था वहां पे H2, और जहां पर H2 था वहां पर H1 कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन में, तो देखिए कुछ इस तरीके से भी दिखाई देगा, और इसके अंदर एक आइकन भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हाई के बाद में क्या करता हूँ मैं, आप क्या करें विंडो बटन और डॉट प्रेस करिए, तो कुछ इस तरीके से विंडोज में इमोजी के लिए जो है पॉपअप ओपन हो जाता है, इसमें से आप कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं हाई के लिए जो है हैंड सिंबल यूज कर लेता हूँ। इधर स्क्रोल करिए, बहुत से ऑप्शन आपको मिलेंगे, ये रहा हाई के लिए, यहाँ पे ये ऐड हो गया, कट कर लेते हैं इसको, सेव करके एक बार देख लेंगे। चलते हैं वापस ब्राउजर में, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएंगे, देखिए हाय और फिर उसके बाद में आई एम, और फिर यहाँ पर डेवलपर, और इसके बीच में भी थोड़ा सा स्पेसिंग हम ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सीएसएस भी हम इसमें चेंज कर लेंगे स्टार्ट में, और यहाँ पर सब में हमने 150 पिक्सल दिया हुआ है ना, तो इसमें से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बदले हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट को ना यहाँ पे असाइन कर सकते हैं पेस्ट, यानी जो होल कंटेनर है उसमें ऐड कर देंगे, तो बार बार हमको फिर इसको मार्जिन लेफ्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेव करके एक बार देख लेते हैं, चलते हैं वापस ब्राउजर में, और देखिए कुछ इस तरीके से भी ये दिखाई देगा, और थोड़ा बटन के नीचे भी हम क्या करेंगे यहाँ पर मार्जिन दे देंगे, सो मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल, सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस ब्राउजर में, और 10 पिक्सल तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, 20 पिक्सल कर लेते हैं इसको, 20 पिक्सल सेव, और 20 पिक्सल देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और अब ठीक ठाक लग रहा है। और आप चाहे तो इस H1 में से भी जो है स्पेसिंग कम कर सकते हैं, H1 में हमने H2 में भी देखिए पैडिंग ऐड किया हुआ है, पैडिंग टॉप से 80 है ना, तो इसको 70 कर देता हूँ मैं, सेव। अबाउट सेक्शन पर काम कर लेंगे, सो चलते हैं अबाउट में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे एक इमेज को ऐड कर देंगे, सो IMG टैग, और सोर्स में क्या करता हूँ जो हमने होम पे यूज किया हुआ है ना, होम नहीं लेआउट को ओपन कर लेंगे, उसमें हमारे पास एक इमेज का यूआरएल था, लेआउट में ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं लेआउट में नहीं था, वो मेन्यू के अंदर था, तो मेन्यू वाले कंपोनेंट को मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसमें एक इमेज का लिंक था जो कि ये वाला इमेज है, तो इसी का रीयूज कर लेंगे, बाद में आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप अपने इमेज को जो है यहाँ पर ऐड करिए। इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे अबाउट पेज में आएंगे और इस सोर्स में इसको पेस्ट कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको, और अल्ट में लिख सकते हैं आप प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक, सेव करके एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। चलते हैं वापस ब्राउजर में, रिफ्रेश कर लेंगे इसको, और यहाँ पर तो इमेज शो नहीं कर रहा है, अच्छा इमेज आ रहा है लेकिन ये काफी साइड में आ रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे मार्जिन लेफ्ट दे देंगे। तो पहले शुरू हम क्या करते हैं इसको टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस में ऐड कर देंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट डैश इमेज, कुछ इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा क्लास दिया। अब इसको हम क्या करेंगे टारगेट कर लेंगे अबाउट सी एस एस के अंदर, सबसे पहले अबाउट को हम क्या करेंगे टारगेट कर लेंगे अबाउट, और इसमें मार्जिन दे देता हूँ मैं पहले शुरू, सो मार्जिन, मार्जिन में हम क्या करेंगे टॉप बॉटम से 40 पिक्सल कर देंगे और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल फिलहाल के लिए, और इसमें हम क्या करेंगे पैडिंग भी ऐड कर देंगे, तो पैडिंग ऑफ 20 पिक्सल, और मार्जिन लेफ्ट से भी दे देंगे, सो मार्जिन लेफ्ट ऑफ 150 पिक्सल सेव,
चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं वापस ब्राउजर में। तो देखिए अब बराबर से आ रहा है, और मार्जिन टॉप से ज़्यादा, और आई थिंक सो इसको हम कर देंगे 30 पिक्सल। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, 30 इनफ है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर की इमेज को टारगेट कर लेंगे। सो अबाउट डैश इमेज, इसमें हम हाइट और विड्थ ऐड कर सकते हैं। पहले शुरू थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल। उसके बाद में इसकी जो विड्थ रहेंगी उसको कर देंगे 100%, पर ये परसेंट है। और उसके बाद में इसकी हाइट कर देंगे हम 400 पिक्सल, इनफ है। सेव करके एक बार देख लेते हैं, इसमें हमको इमेज को टारगेट करना है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे IMG। अब देख लेते हैं, सेव, चलते हैं वापस। अब बराबर से आ रहा है, लेकिन मार्जिन लेफ्ट भूल गए क्या हम, एक बार देख लेते हैं। मार्जिन लेफ्ट 150 पिक्सल तो है बराबर, मार्जिन लेफ्ट अप्लाई नहीं हुआ। 150 के बदले इसको 200 पिक्सल, सेव। अब ठीक है, 200 पे कुछ इस तरीके से साइड में हो रहा है, और आई थिंक कुछ इशू हो रहा है। एक बार देख लेते हैं, अबाउट का डिव है, उसके बाद में रो की क्लास है, फिर Call MD 6 है। हम क्या करेंगे, मल्टीपल Call MD इसमें ऐड कर देंगे। सो Call XL of 6, उसी तरीके से Call LG of 6, और स्मॉल स्केल पे इसको जो है ना 12 कॉलम कर देंगे। सो Call XS 12, सेव कर लेते हैं इसको, एक बार देख लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन में। अब देखिए अब ये बराबर से आ रहा है, वो डिवाइस के विड्थ के हिसाब से शो कर रहा था, ठीक है, और साइड में काफ़ी स्पेस भी आ रहा है ना, तो इसको बाद में हम फिक्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अबाउट के बाद में आ रहा है या नहीं चेक कर लेते हैं। पहले शुरू मैं इस अबाउट पेज को कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव। अबाउट की वजह से आ रहा है क्या, चेक कर लेंगे। नहीं, ये हमारे होम की वजह से आ रहा है। ओके, पहले हम अबाउट का पेज जो है अच्छे से क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद में इसको फिक्स कर लेंगे। तो देखिए कॉन्टेंट कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड में थोड़ा सा अबाउट सेक्शन ऐड कर देंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चलते वापस अबाउट में, और यहाँ पर कंटेंट के अंदर हम क्या करेंगे, एक H1 ऐड कर देंगे, और इसमें लिख लेंगे अबाउट मी कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, तो इसको मैं पैराग्राफ टैग के अंदर ले लेता हूँ, P टैग। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लॉरम इप्सम का यूज कर लेंगे। सो आप लिखेंगे Lorem 200, टैब प्रेस करिए, ऑटोमेटिकली जो है डमी टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। इसको आप अपने ओरिजिनल अबाउट अस से जो है रिप्लेस कर ले। सेव करके एक बार देख लेते हैं, चलते वापस। तो देखिए कुछ इस तरीके से भी शो करेगा, और ये टेक्स्ट काफी ज्यादा हो रहा है ना, तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। अबाउट में आपको जितना भी आपके बारे में लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेव, अब ठीक ठाक लग रहा है, इमेज के साइज से भी मैच हो रहा है, या फिर आप इसको और भी कम कर सकते हैं। शॉर्ट में भी आप अपना अबाउट सेक्शन रख सकते हैं। सेव, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जस्टिफाई कर देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इसको भी टारगेट करना है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास दे देंगे इसको अबाउट डैश कॉन्टेंट, और इसको हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे CSS में। तो कॉपी कर लेता हूँ उसको, कॉपी, और अबाउट के अंदर नीचे हम क्या करेंगे, इसको टारगेट कर लेंगे अबाउट कॉन्टेंट, और इसमें H1 को टारगेट कर लेंगे, या फिर पहले पूरे बॉक्स को जो है टारगेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट कॉन्टेंट, डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स, तो आप लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन इसको कर देंगे कॉलम, जस्टिफाइड कॉन्टेंट इसको कर देंगे सेंटर में, और अलाइन कर देंगे आइटम्स को सेंटर में। सेव करके एक बार देख लेते हैं, चलते हैं वापस एप्लीकेशन में, और ये प्रॉपर अलाइन नहीं हुआ, तब इसको फिक्स कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से जो अबाउट कंटेंट को टारगेट करेंगे, और इसके अंदर जो H1 है उसमें हम क्या करेंगे, चेंजेस कर लेंगे, जैसे कि इसका कलर कर देता हूँ, सॉरी कलर, इसको कर देंगे ग्रे, और इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देता हूँ मैं, फॉन्ट फैमिली, कर्सिव कर लेंगे इसको, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड में, कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे कर्सिव का फॉन्ट फैमिली हम इसमें ऐड कर देंगे, और नीचे से थोड़ा सा बॉटम से बॉर्डर भी दे देता हूँ मैं, आप लिखेंगे बॉर्डर बॉटम, इसको कर देंगे 2 पिक्सल, सॉलिड ग्रे कलर, और टेक्स्ट को जो है ना सेंटर कर लेता हूँ मैं, टेक्स्ट सेंटर, सेव, चेक करते हैं एक बार, रिफ्रेश कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं, अबाउट है, अबाउट का पेज ही हमने सेव नहीं किया। ओके, अब सेव करके इसको चेक कर लेते हैं, चलते हैं वापस ब्राउजर में। तो देखिए बराबर से यहाँ पर ये सेंटर अलाइन हो चुका है, और वहां पे हमने इसको पेज को सेव नहीं किया, इसलिए कंटेंट हमारा बराबर से सेंटर में शो नहीं कर रहा था, अब बराबर से यहाँ पर मिडल में शो कर रहा है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका अगर आपको और कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा मैच हो रहा था इसीलिए मैंने ग्रे कलर ऐड कर दिया, और यहाँ पर टेक्स्ट को जस्टिफाई भी कर देता हूँ मैं। सो P टैग को हम टारगेट कर लेंगे, सेम इसी के अंदर अबाउट के अंदर, अबाउट कंटेंट, इसके अंदर P टैग है, और इस P टैग में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कर देंगे अलाइन, तो आप लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई, और पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ मैं 20 पिक्सल, सेव, चेक कर लेते हैं। तो देखिए आप कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है, और आई थिंक ठीक ठाक लग रहा है, और आप चाहें तो इसको एक बॉक्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे CSS बॉक्स शैडो,
इतना लिख के आप सर्च करिए, यहाँ से आपको देखिए 93 ब्यूटीफुल डिजाइन्स करके एक वेबसाइट मिलेंगी। गेट सीएसएस स्कैन पर आप जाइए, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें से देखिए सेकंड वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, और हम क्या करेंगे इसको जो अबाउट पे ऐड कर देंगे। सो इनिशियल जो अबाउट का मेन क्लास है उस पे इसको अप्लाई कर देंगे, सेव क्लिक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको बॉक्स शेडो का इफेक्ट देखने मिलेगा, देख सकते हैं, और ठीक ठाक लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्क्रॉल इफेक्ट को भी जो है फिक्स कर लेंगे। आई थिंक यहाँ पर मेरा स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हो रहा है, क्योंकि मल्टी डिस्प्ले यूज कर रहा हूँ इसीलिए हो सकता है। तो स्क्रॉल इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमने मार्जिन लेफ्ट दिया था ना होम में, तो इसके बदले हम क्या कर लेंगे, इसको पैडिंग लेफ्ट कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे पैडिंग, ये है पैडिंग लेफ्ट ऑफ 150 पिक्सल, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस ब्राउजर में, तो स्क्रॉल इफेक्ट तो यहाँ से रिमूव हो गया। इसके बाद में यहाँ पर ये बराबर से शो नहीं हो रहा है ना हमारा कार्ड, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एप डॉट जेएस में एक डिव बना लेता हूँ मैं लेआउट के बाद में, और इसको कंटेनर की क्लास दे देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंटेनर, और इस अबाउट को हम क्या करेंगे उसके अंदर ऐड कर देंगे। सो अबाउट को इसके अंदर आप ऐड कर दें, सेव चेक कर लेते हैं एक बार। चलते हैं वापस एप्लीकेशन में, तो देखिए अब बराबर से शो कर रहा है, और स्पेसिंग भी आप फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको और इसको थोड़ा सा विड्थ देना है तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ पे अप्लाई की थी, तो इसको कॉपी करके आप क्या करें कॉन्टेंट वाले में भी ऐड कर दें, पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी बन जाएगा, और यहाँ पर अबाउट सेक्शन कुछ इस तरीके से हमारा रहेगा।